तो दोस्तों आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिया है, लेकिन व्यूज़ वहाँ पर एक भी नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यूज़ ज़रूर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है जहाँ से कि ज़रूर से कुछ ना कुछ व्यूज़ आएगा। मिलियंस पर तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर से व्यूज़ आ ही जाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी बहुत व्यूज़ लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जेन्युइन ट्रिक्स बताए जाएंगे जिसकी मदद से आपका जो वीडियोज़ है वहाँ पर व्यूज़ आ जाएगा। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, अच्छा थंबनेल बनाते हो, फिर भी अगर व्यूज़ नहीं आता है तो यहाँ पर क्या क्या गलती हो सकती है जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आ रहा है, वो मैं आज आपको बताऊँगा, ताकि आप जो है उस गलती को सुधार सकोगे और धीरे धीरे करके ज़रूर से व्यूज़ आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर देखिए पिछला वाला वीडियोस पे जो है कुछ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुका है, ठीक है, और आ भी गया है, ठीक है, उस ट्रिक की मदद से। तो इस तरीके का ट्रिक लगाओ ताकि आपका जो है बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं कि कौन सा चीज़ आपको सबसे पहला जो है गलती करते हो। सबसे पहला चीज़ टाइटल पर आप गलती करते हो। टाइटल पे कैसे लिखना है पहले वो बात कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, फिर आगे का चीज़ मैं जो है बाद में धीरे धीरे करके बता दूंगा। सबसे पहला चीज़ तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल के बारे में, ठीक है। टाइटल कैसे लिखोगे प्रॉपर ताकि आपके चैनल पर व्यूज़ आ सके। मेरे वीडियोज़ की बात करें तो यहाँ पर मैं जो है व्यूज़ बढ़ाने के बारे में बात करता हूँ, यानी कि वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरा टॉपिक क्या होगा, मेरा टाइटल क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंग्लिश पर लिखना है। इंग्लिश पर कैसे लिखना है, हाउ टू इंक्रीज व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश पे। फिर आपको हिंदी पे टाइप करके लिखना है कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। मतलब कि आपको जो है जो इंग्लिश होगा उसे ट्रांसलेट करके आपको जो है हिंदी पे लिखना है। और दूसरा चीज़ आपको इंग्लिश पे ही लिखना है, जो लेटर होगा वो इंग्लिश पे होगा, लेकिन जो मतलब कि जो वर्ड होगा वो हिंदी पे होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे लिखना है आपको, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ठीक है। जो वर्ड होगा वो इंग्लिश पे होगा, लेकिन सारा का सारा पढ़ने पर हिंदी में होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, ठीक है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है मतलब कि हिंदी पे मैच हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियोज़ है वो सर्च रैंक पर आ सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा चीज़ ये है कि आप जो है अपना चैनल का नाम ज़रूर से डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखना है आपका जो चैनल का नाम है उसे डाल देना है। इससे क्या होगा आपका चैनल का नाम कोई भी सर्च करेगा तो आपका वीडियोज़ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना टाइटल सेक्शन लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, जो कि प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि अच्छा तरीका है, ठीक है। इससे आपको जो है थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि आखिर वीडियोस कैसे रैंक करेगा। सबसे पहला चीज़ आपको जो है टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ये तो सबसे पहला चीज़, ठीक है। जो टाइटल लिखा था और जो नाम दिया था हमने पूरा का पूरा उसी को कॉपी करके आपको पहले में मतलब कि पेस्ट कर देना है। दूसरी में आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है, मतलब कि जो जिस टॉपिक के बारे में आप वीडियोज़ बना रहे हो उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो कोच भी पहला आएगा, ठीक है, टॉप थ्री वीडियोज़ आएंगे सर्च रैंक पर, उस टॉप थ्री रैंक के जो भी टाइटल होंगे उस तीनों टाइटल को कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद आपको करना क्या होगा, आगे का चीज़ मैं बता देता हूँ। अब आपको करना क्या होगा, उसके नीचे आपको जो है वीडियोज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आप जिसके बारे में लिख रहे हो, जो लिख रहे हो, वहाँ पर एक ही चीज़ बार बार आना ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर व्यूज़ बढ़ाएं कैसे, ये सब कुछ जो है बार बार आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर ऐसा लिखना है कि दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि व्यूज़ कैसे बढ़ाओगे, तो व्यूज़ आ गया। फिर नीचे आएगा कि व्यूज़ बढ़ाने का सही तरीका बताऊँगा, ऐसे करके जो है व्यूज़ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वही वर्ड बार बार आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए व्यूज़ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना होगा, ठीक है, व्यूज़ करके जो है आपको वर्ड बार बार लाना होगा यहाँ पर। इससे क्या होगा कि सर्च रैंक पर जल्द से जल्द आपका जो वीडियोज़ है वो आ जाएगा। मेरा देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा व्यूज़ है। आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पर दो चार चीज़ें एक्सटर्नल लगाना होगा। जैसे कि हमारा यहाँ क्या होता है कि हम जो है व्यूज़ बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्तों डेफिनेटली हम जो है वॉच टाइम के बारे में बात करेंगे और सब्सक्राइबर के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब को जो है आपको लिख देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी सर्च करेगा तो आपका चैनल जो है आने की संभावना मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, देख लीजिएगा यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत सारा चीज़ें मिला के लिखा गया है।
लेकिन एक मतलब कि एक पैराग्राफ जैसा लिखना होगा आपको, कोमा देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हो या ना हो लेकिन वही वर्ड बार बार आना जरूरी है जिसके बारे में आपका वीडियो उसका टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। और जो आपको जो है हिंदी पे भी लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपका जो कुछ भी लिखा है वीडियोज़ के बारे में उसे आपको हिंदी में भी लिखने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि कोई लोग क्या करते हैं कि सर्च करते हैं तो हिंदी पे सर्च करते हैं, तो इससे जो है आपका जो डिस्क्रिप्शन से जो है मैच करके आ सकता है। ओके, तो अब आपको तीसरा चीज़ क्या करना होगा, माई गियर लिख के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है आपका जो भी गियर सिस्टम या फिर आपने जो कुछ भी यूज़ किया है वीडियोज़ के अंदर उस चीज़ को, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपका सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है, थर्ड पे। इससे क्या होगा कि आपके लिंक के थ्रू जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लोग जाएंगे और आपको फॉलो वगैरह कर पाएंगे। और लास्ट चीज़ जो है यहाँ पर आपको करना क्या होगा, और अगर आपको ब्लॉग चैनल है तो उसे भी जो है आपको यहाँ पर सेकंड चैनल है तो उसे भी जो है आप डिस्क्रिप्शन पर डाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं टैग सेक्शन पे, टैग सेक्शन पे कैसे लिखना है ये बात करते हैं। सबसे पहला तो आपने जो टाइटल लिखा होगा जो कुछ भी उन सबको जो है आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ वीडियोज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, जैसे कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, हाउ टू गेन व्यूज़, ऐसा करके जो है दो चार लाइन आपको लिखना है लॉन्ग टैग, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा लंबा होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर कुछ शॉर्ट चीज़ें देना है जैसे कि व्यूज़ कोमा शॉर्ट कोमा हैशटैग कोमा, ऐसा करके जो है आपको बहुत सारा चीज़ें देना है, जैसे कि व्यूज़ फिर कोमा देना है, फिर कैसे कोमा देना है, फिर बढ़ाए कोमा देना है, कुछ इस तरीके से जो है आपको लिखना है। मोनेटाइजेशन लिखना है फिर कोमा देना है, फिर पॉलिसी लिखना है कोमा देना है, यानी कि शॉर्ट। फिर आता है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक टैग, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग सर्च करेंगे पेपल, देखिए इस तरीके से सर्च किया आपने लेकिन आएगा पेपल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना है, पेपल भी लिखना है, पीपल भी लिखना है, पेपल भी लिखना है, कुछ इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर सर्च रैंक पर जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम जो है मिसस्पेल टैग भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप थोड़ा बहुत व्यूज़ ला सकते हो अपने YouTube वीडियोस पे। तो इसी तरीके का YouTube वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।